गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, यानी फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति, जो उसमें विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह क्यों हुआ था और उसके पीछे क्या रीजन था और ये विद्रोह क्यों सक्सेस नहीं हुआ, तो ये जो है हमको इस लेसन में पढ़ना है। बराबर, देखो यदि ये विद्रोह सक्सेस हो जाता तो हमें जो है 90 साल पहले आज़ादी मिल जाती, पर ये विद्रोह सक्सेस नहीं हुआ, अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया, इस वजह से जो है हमारी आज़ादी पीछे चली गई। तो इसके मेन रीज़न क्या थे और क्यों ये विद्रोह फ्लॉप हुआ, तो इस लेसन में हमको ये पढ़ना है। बराबर, तो देखो इसके मेन रीज़न जो है उसको हम इन शॉर्ट याद रखने के लिए EPSAMI ऐसे याद रखना है, EPSAMI यानी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री एंड इमीजिएट। तो ये जो रीज़न है उस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ, ये विद्रोह इस वजह से हुआ, और ये क्यों सक्सेस नहीं हुआ, तो हमारे बीच में एकता नहीं थी, बराबर यूनिटी नहीं थी, यूनिटी ना होने की वजह से जो है ये विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हुआ। Now we start our topic. The revolt of 1857 was a large-scale rebellion against British rule. यानी 1857 में ब्रिटिशरों के खिलाफ जो वो सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था और इन विद्रोहों के लिए जो फैक्टर जवाबदार थे उससे रिलेटेड हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। बराबर, इकोनॉमिक फैक्टर यानी एक हमको पता, मैंने आगे आपको आगे के वीडियो में बता दिया है कि ये जो ब्रिटिशरों की नीति थी लैंड रेवेन्यू वसूल करने की नीति, बराबर, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा गलत बात सिद्ध हुई। उन्होंने क्या करा, देखो लैंड रेवेन्यू जो है वो मुगल काल में भी लिया जाता था, पर मुगल्स जो थे वो इतने ब्रिटिशरों के जितने हार्ड नेचर वाले नहीं थे, वो थोड़ा देख लेते थे कि चलो बारिश नहीं हुई है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस टाइम जो है लैंड रेवेन्यू कम कर देते थे, पर ब्रिटिशरों ने जो है वो ये चीज़ नहीं करी। बराबर, ब्रिटिशरों ने हमारे इंडियन पीसेंट को एक भी फैसिलिटी नहीं दी, उनके एग्रीकल्चर का कोई विकास नहीं करा, कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं दी, और उसके बाद भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए, कुछ भी हो, तो भी इनको जो है टैक्स तो उतना ही भरना है। बराबर, फिर दूसरा है जमींदार। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि जमींदारी प्रथा बनाई थी ब्रिटिशरों ने कि 10 साल के लिए जमीन आपकी हो जाएगी, पर आपको साथ में मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने सनसेट क्लब बनाया था। बराबर, कि आप सूर्य जब अस्त होता है उतने टाइम में भी आपने ये लैंड रेवेन्यू नहीं दिया तो आपकी ज़मीन जो है उससे दिन नीलाम हो जाएगी। बराबर, तो ये जो था वो जमींदार भी उसमें गुस्से में बैठे थे भाई कि बहुत सारे जमींदारों की जो है जमीन इस तरह से चली गई थी। तो सबसे पहला आता है पीसेंट, दूसरा आता है जमींदार, फिर तीसरा आता है आर्टिस्ट और हैंडीक्राफ्ट, यानी हमारे इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, हैंडमेड जितनी चीज़ें बनती थी, जितनी भी अच्छी चीज़ें जिनका बाहर अच्छा वैल्यू था। बराबर, हमारे राजा महाराजा भी जिनका अच्छा पैसा देते थे, पर ब्रिटिशरों ने क्या करा कि भाई उन लोगों के पास से सारा काम छीन लिया। काम छीन लिया है, कैसे छीन लिया, देखो अभी मैं कोई भी चीज़ हैंडमेड बना रही हूँ पर वो हैंडमेड चीज़ लेने वाला ही मुझे कोई नहीं मिलेगा, तो मेरी वो चीज़ बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। अब हैंडमेड चीज़ें वो कौन लेंगे, राजा महाराजा, बराबर, जागीरदार, वो सब लेते हैं, पर ब्रिटिशरों की नीति के अनुसार राजा महाराजा जागीरदार सब जो है उनका नाश हो रहा था, यानी इनकी चीज़ें कोई भी ले नहीं सकता था। बराबर, तो सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा पीसेंट वाला है, बराबर, सेकेंड हमने पढ़ा जमींदार वाला, तीसरा है इंडस्ट्रीज का। बराबर, कि इंडस्ट्रीज में जो है इन्होंने बहुत गफलत कर दी थी, जो आर्टिस्ट थे उनके पास से जो है वो चीज़ें बना नहीं पा रहे थे और अच्छे दामों में बेच नहीं पा रहे थे, तो उनको लॉस जा रहा था। फिर चौथा आता है मर्केंटाइल पॉलिसी, यानी ब्रिटिशरों ने क्या करा था भाई कि आप जो है हमारा इंडिया का माल जो है वो
के साथ बाहर के देशों में बेचा जाता था और ब्रिटेन से वही चीज सस्ते दामों में आती थी। यानी इन शॉर्ट इन्होंने क्या करा कि हम हमारी चीज पे ज्यादा पैसा दे रहे थे और उनकी बनाई हुई चीज सस्ते में मिल रही थी, तो ये भी एक उनकी गलत बात हुई। तो बराबर, तो ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट इकोनॉमिक कॉजेज आए उसमें क्या आएगा, सबसे पहला एक्स्ट्रा एक्सोर्टिव लैंड रेवेन्यू डिमांड एंड हैवी टैक्सेशन। बराबर, यानी इन्होंने जो है पीसेंट का बड़ा शोषण करा, किसानों का शोषण करा, इनको अच्छी किसी भी कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, इनकी कोई भी चीज समझी नहीं और इनके पास से लैंड रेवेन्यू लिया। बराबर, दूसरा जमींदार्स वेयर हैरेसेस फॉर हायर लैंड रेवेन्यू एंड ट्रीटेड विद फोर फीचर ऑफ देयर लैंड, यानी जबरदस्ती जो उनके लैंड पे वो कब्जा कर लेते थे यदि वो अपना क्लाइम किया हुआ रेवेन्यू ना दे पाते थे तो। फिर थर्ड आया ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी न्यू नेशन ऑफ आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट मैन। बराबर, यानी यही वही बात भाई कि आर्टिस्ट और हैंडीक्राफ्ट वाले जो भी बनाने वाले थे उनके पास काम नहीं बचा था। क्यों काम नहीं बचा था, कि उनकी चीज़ें लेने वाला कोई था ही नहीं। बराबर, राजा महाराजा जमींदार ये सब जो है अब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। फिर मर्केंटाइल पॉलिसी, हाई टैरिफ ड्यूटीज ऑन द इंडियन मेड गुड्स एंड लो टैरिफ ऑन इम्पोर्ट गुड्स। बराबर, यानी हमारे इंडियन की जितनी भी गुड्स थे उस पर हाई टैरिफ ड्यूटीज लगाई थी। बराबर, है ना, और उनकी जो ब्रिटेन से आने वाली जो चीज़ें थी वो सस्ते दामों में मिल रही थी। यानी इसका क्या हुआ, मतलब ट्रेडर्स एंड मर्चेंट वेयर क्रिप, यानी ये ट्रेडर और मर्चेंट जो है वो दोनों अपंग बन गए, यानी ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये सबसे पहला फैक्टर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। बराबर, जो जवाबदार था 1857 के रिवोल्ट के लिए। अब इसके बाद आता है पॉलिटिकल कॉजेस। बराबर, अब इसमें ब्रिटिश हैड डिस्पोज मेनी इंडियन रूल्स ऑफ देयर टेरिटरीज। यानी देखो, ब्रिटिशर जो थे वो हमारे वहाँ ट्रेड करना थे, हमें पता है, और उन्होंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ पे जो है अंदर अंदर राजाओं को लड़ा के, राजे रजवाड़ों को लड़ा कर जो है इनके साथ हम इनके जो लैंड है उस पर हम शासन कर सकते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिशरों ने जो है वही चीज़ करी भाई कि पहले तो राजाओं को ऐसा बोला कि हम आपको साथ देते हैं और आपको जिताते हैं, आप चिंता मत करो, आपका रजवाड़ा आपका ही रहेगा। पर बाद में क्या करा ब्रिटिशरों ने कि भाई वो अपनी पॉलिसी ले आया, उन्होंने उनकी जो मिल्कत थी वो सब बड़क थी। बराबर, फिर दूसरे वो कैसी पॉलिसी लाया, हमने पढ़ लिया था आगे, एनेक्सेशन, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बराबर ना, तो चूक की नीति, जिसे हिंदी में बोलते हैं चूक की नीति। बराबर, तो ब्रिटिशर्स जो है फिर वो एनेक्सेशन यानी हड़प कर लेने की वही नीति कि अब आपका कोई वारसदार नहीं है तो ये आपका राज्य जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर सब्सिडरी अलायंस लिया है, ये भी मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी अलायंस क्या है, और उसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया है। बराबर, तो ये चीज़ जो थी, ये चीज़ की वजह से जो है ज़्यादातर राजे रजवाड़ों की राजाशाही जो है वो ब्रिटिशरों के हाथ में चली गई। फिर अब जब राजाशाही ब्रिटिशरों के हाथ में चली जा रही तो ऑब्वियसली जो है ब्रिटिशर अपना ही रूल चलाएंगे। तो उस टाइम जो हमारी आर्मी थी, यानी राजाओं की आर्मी थी, उनके जो सिपाही थे वो सब उन्हें निकाल दिया जाता था और वो जो बेचारे है उनके पास काम नहीं रहता था। बराबर, तो इन शॉर्ट ऐसा देखा जाए कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को जो है वो काम नहीं मिल रहा था और ब्रिटिशर जो है वो अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे थे। बराबर, और इस नीति में किनका समावेश हुआ, तो मैंने उनको बताया रानी लक्ष्मीबाई, है ना, इनका वारसदार नहीं था इसलिए। फिर राजा कुंवर सिंह को बिहार ये जमींदार थे, इनकी जमीन ले ली थी अंग्रेजों ने, तो ये जो थोड़े लोग हैं वो ब्रिटिश पॉलिसी के शिकार हुए। बराबर, तो पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से भी जो है विद्रोह हुआ, पर इस विद्रोह के सफल ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये सब जो है वो सिर्फ अपने एरिया को लेकर लड़े, अपने मुद्दों को लेकर लड़े। इन्होंने सिर्फ अपना सोचा, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि सब एक साथ मिलकर करें। उस टाइम के लिए ये चीज़ सोची होती तो हमारा देश आज विकासशील देश की जगह विकसित देशों में आया होता। बराबर, 90 साल के बाद जब हमें
आजादी मिली तो उन 90 सालों में जो है ब्रिटिशरों ने हमारा पूरा पूरा शोषण कर लिया और मोस्टली हमारे भारत में से सारी चीज लूट के ले गए। तो ये एक रीजन माना जाता है कि 1857 की क्रांति का एक रीजन ये भी माना जाता है कि पॉलिटिकल जो चेंजेस आए थे तो उन चेंजेस की वजह से भी जो है लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और उन्हें जो है ब्रिटिशरों को हटाना था, पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज हो ना सकी। इसके बाद आता है रिलीजियस एंड कल्चरल कॉजेस, बराबर। तो अब ये भी बात आपको पता है कि ब्रिटिशरों ने हमारे यहाँ आकर जो है सती प्रथा बंद करवाई, विधवा पुनर्विवाह यानी विलोम रीमैरिज शुरू करवाया, बराबर। तो ये जो चेंजेस हमारे समाज में आए उस वजह से जो हमारे इंडियन सोशल जो लोग थे यानी जो हमारे रूढ़िचुस्त लोग थे वो ये सोच रहे थे कि ब्रिटिशरों का इंटरफियर जो है हमारे सोशल सिस्टम में पड़ रहा है, भाई कि ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, पर ये हमारे इंडियन सोशल सिस्टम में बदलाव ला रहे हैं। तो वो ब्रिटिशरों के अगेंस्ट हुए यानी उनके अकॉर्डिंग क्या था, भाई सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह ये सब जो है वो बंद नहीं होना चाहिए था और ये चीज़ जो है ब्रिटिशरों ने बंद करवा दी थी। फिर दूसरा जाता है एजुकेशन पर, साथ साथ में जो है इन्होंने क्या करा था भाई कि ब्रिटिश ये इंग्लिश एजुकेशन ले आए थे, बराबर, कि मैंने आपको समझा दिया था। तो इस वजह से भी जो है हमारे रूढ़िचुस्त लोग जो है ऑर्थोडॉक्स जो एक समुदाय था वो ये सोच रहा था कि ब्रिटिशर जो है वो अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी लैंग्वेज और हमारी संस्कृति को जो है वो पीछे धकेल रहे हैं, बराबर। फिर दूसरा तीसरी बात उन्होंने ये सोचा कि वो जो है हमारे इंडियंस को कन्वर्ट कर रहे क्रिश्चियनिटी में, बराबर, यानी वो हमारे भारतीय हमारे हिंदुओं को बदल रहे क्रिश्चियन बनने में, बराबर। तो ये इस वजह से जो है वो अपना धर्म हमारे भारत में ज़्यादा फैला रहे हैं, यदि धर्म ज़्यादा फैला तो वो जो है हमारे देश में अच्छे से शासन कर सकते हैं। तो ये तीन रीजन जो मेन बताए वो इसमें बताए कि भाई एक तो जो उन्होंने बदलाव लाए सती प्रथा, फिर विधवा पुनर्विवाह, ये हम सभी को पता है कि ये जो हमारे ये ऐसे पूरी बात चल रहे थे वो अच्छे नहीं थे, उन्हें बदलने की ज़रूरत थी, पर जो हमारे रूढ़िचुस्त ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये चेंजेस हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में आए, बराबर। वो एजुकेशन के भी अगेंस्ट थे, बराबर, वो ये भी चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन हमारे देश में आए, बराबर, और उन्हें ये बात भी पसंद नहीं थी कि हमारा हिंदू धर्म छोड़कर कोई क्रिश्चियन धर्म अपनाए। तो ये जो रीज़न था वो भी 1857 के विद्रोह के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। फिर इसके बाद आता है मिलिट्री कॉजेस, बराबर। अभी मिलिट्री है मैं बता दूँ आपको, मैंने अभी बात बता दी है कि जो राज्य ब्रिटिशरों के अंदर चले जाते थे वहाँ क्या होता था कि उनकी सोल्जर्स उनके जो सोल्जर्स है उन्हें अपनी नौकरी में से निकाल दिया जाता था, बराबर। पर इन केस उन सोल्जरों को सर्विस पे रखा भी जाता था तो उन्हें कोई राइट्स नहीं होते थे, बराबर। वो जो है उनकी उनके पास पेमेंट जो है वो भी ब्रिटिशरों से लेस आता था, यानी काम सारे इंडियन सोल्जरों को करना और पेमेंट जो है वो ब्रिटिश सोल्जर ले जाते थे, बराबर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना भाई कि हम जो है मजदूर के जैसे काम कर रहे हैं और हमको जो है पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है, बराबर, 1857 के रिवॉल्ट में। फिर मैंने आपको बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेस, बराबर, यानी इसमें भी आपको पता है कि एनेक्सेशन और सब्सिडरी अलायंस जो ले आए थे इस वजह से जो है बहुत सारे राजा रजवाड़ों के राज्य जो है अपने हाथ में से चले गए थे और ब्रिटिशरों ने अपने अंडर ले लिए थे, और जिसके हाथ में शासन आ जाता है सिक्का उसी का चलता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो ब्रिटिशरों के अंडर चले गए थे वहाँ सिक्का ब्रिटिशरों का ही चला था, यानी ब्रिटिशर जो है अपने लोगों को और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते थे, बराबर। देखो इसमें मैंने आपको बता दिया कि सोल्जर्स पर भी यही बात हो रही थी भाई कि सोल्जर्स जो है वो काम कर रहे थे पर उन्हें जो है इसे इतना पैसा नहीं मिल रहा था, बराबर। तो एक तरह से जो सोल्जर्स है उनकी दशा भी खराब हो रही थी। फिर द इमीडिएट कॉजेस, बराबर, ये इमीडिएट कॉजेस यानी आपको बता दूँ कि जब ब्रिटिशरों ने अपना शासन हमारे भारत में अच्छे से फैला लिया तो उन्होंने ब्रिटेन से कारतूस मंगाई थी, बराबर, यानी क्या वो पिस्तौल की गोलियां मंगाई थी, और उसमें ऐसा कहा जाता था
कि उसमें जो वो पिस्तौल की गोलियां जो है वो गाय के मांस से और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। तो ये चीज जो है हमारे भारत जैसे देश में जहाँ रिलीजन को हम इतना मान सम्मान देते हैं, तो ये चीज जो है हमारे इंडिया में सही उतरी नहीं भाई। इस वजह से भी विद्रोह हुआ कि जो हिंदू थे उन्होंने बोल दिया कि हम ये कार्टूज हम नहीं अपनाएंगे, हम नहीं चलाएंगे भाई, इसमें गाय का मांस है। और सेम टू सेम मुस्लिम संप्रदाय ने भी ये बोल दिया कि इसमें सुअर का मांस है तो हम नहीं अपनाएंगे। तो ये जो था ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है कि 1857 के जो रिवॉल्ट हुए उसमें ये भी बहुत बड़ा रीजन माना गया है कि जो ब्रिटिशरों ने नई ये जो बंदूक की गोलियां लाए और जबरदस्ती सारे सोल्जर्स से बोला कि आपको ये जो है इन्हें यूज करना ही पड़ेगा, तो इस वजह से भी जो है सिपाहियों में तनाव बढ़ा। बराबर सिपाही यानी सोल्जरों में तनाव बढ़ा और उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम आपकी कारतूस नहीं चलाएंगे। और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा मारा मारी हुई थी। बराबर तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है 1857 के रिवॉल्ट के लिए। यानी आपके पास देखो अभी इंश्योरेंस भी आपको इतना तो मैंने समझा दिया कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ था भाई, वो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए जवाबदार थी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन, बराबर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो डाउन हो गई थी। उसके बाद आता है पॉलिटिकल में उन्होंने सारे जो राजा महाराजाओं का सब हड़प लिया था। उसके बाद आता है रिलीजन एंड कल्चरल, बराबर इसके बाद आता है मिलिट्री, इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन और फिर आता है इमीडिएट कॉजेस। तो ये सारे ये जो छह बड़े बड़े रीजन है उन छह बड़े बड़े रीजनों की वजह से जो है वो 1857 की रिवॉल्ट यानी 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। और अब हमको जो पढ़ना है इनमें किसने हिस्सा लिया, बराबर उनके बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये रिवॉल्ट क्यों हुआ, बराबर ये रिवॉल्ट होने के पीछे का रीज़न क्या है थी? तो वो पढ़ा कि ये रिवॉल्ट जो इन छः वजह से हुआ। और अब हमको पढ़ना है कि इनमें किसने हिस्सा लिया। तो अब आगे के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ हमको इसके कॉजेस पढ़ने थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। और अभी आगे के वीडियो में जिन्होंने इसमें पार्ट लिया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1857 का रिवॉल्ट किस वजह से हुआ था। बराबर तो छह मेन रीज़न मैंने आपको बताया कि वो छह मेन रीज़न आपको समझ में आ गए होंगे। आपने मेरे आगे के वीडियो देखे होंगे तो आपको शायद से याद होगा। बराबर ये सारी चीज़ें मैंने जो है आपको आगे के वीडियो में अच्छे से समझा दी।